जय जिनेन्द्र, आज हम बनाएंगे मैंगो पेड़ा या मैंगो बर्फी। मैंगो बर्फी बनाने के लिए ये दो आम लेंगे, पके हुए हैं। इसके छिलके निकाल के इसको पील करके इसकी प्यूरी बना देंगे। अब पैन में 1 टेबलस्पून घी डालें और ये 1 कप मैंगो प्यूरी है। अभी मैंगो प्यूरी डाल दिया। अब इसको लो से मीडियम फ्लेम तक लगातार चलाते हुए इसका मॉइस्चर थोड़ा सा सूखने देंगे। मैंगो प्यूरी बनाते वक्त हमें पानी शक्कर कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे ही बनाना है। और अगर कुछ रेशे हैं तो उसको छान के लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा थिक हो गया, इसका मॉइस्चर सूख गया है। हमने 1 कप मैंगो प्यूरी लिया था तो 1 से थोड़ा सा कम 3/4 से थोड़ा सा ज्यादा हम मिल्क पाउडर लेंगे। अमूल मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। अगर आप 1/2 कप अमूल मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो 3 to 4 टेबलस्पून आप कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, इसको लगातार चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स हो गया है, 2 मिनट तक चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून शुगर, आम मीठे ही है तो 3 टेबलस्पून काफी है, अगर आप चाहो तो कम ज्यादा कर सकते हैं। कंटिन्यूसली चलाएंगे, जब तक ये पैन छोड़ने न लगा तब तक इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अब ये थोड़ा थिक हो गया, इसमें डालेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 केसर दूध में भिगोई हुई है वो डालेंगे। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी वापिस, पहले 1 टेबलस्पून डाला था अब वापस 1 टेबलस्पून डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी देखिए पैन छोड़ने लगा है, ये हमारा मिक्सचर भी अच्छा गाढ़ा सा हो गया है। अब इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा लेके इसको थोड़ा सा प्लेट में डाल देंगे और ठंडा होने देंगे, तब तक कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। देखिए ठंडा हो गया, ये बॉल बन रहा है, हाथ में चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारे मिक्सचर रेडी है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी मिक्सचर प्लेट में डाल देंगे, प्लेट ग्रीस की हुई है और इसमें अच्छे से फैला देंगे। आप चाहो तो हाथ से पेड़े जैसे शेप भी बना सकते हैं आप। अब इवनली स्प्रेड कर दिया है, अब इसके ऊपर चॉप्ड पिस्ता डालेंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे वापस। अब मैंगो बर्फी को 1.5 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब करीब 1.5 घंटा हो गया, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी कटिंग करेंगे, आप चाहो तो स्क्वायर शेप में, राउंड शेप में, कुछ भी आप अपने हिसाब से कोई भी शेप देके कटिंग कर सकते हैं। मैंने पेड़े के शेप में राउंड कट किया है, आप चाहो तो स्क्वायर भी कट कर सकते हैं। अब देखिए इतना अच्छा टेक्सचर लग रहा है,
मुंह में डालते ही घुल जाने वाली मिठाई है। गर्मी के मौसम में ये जरूर ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए, तैयार है मैंगो पेड़ा, ट्राई जरूर कीजिएगा।